हम लोग कई बार कहते हैं कि इंडिया में एनिमेटेड सुपर हीरो सीरीज या फिर सुपर हीरो मूवीज नहीं चलती, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंडिया में हम इन चीजों को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते और बाहर की मूवीज फिर सुपर हीरोज को ज्यादा पसंद करते हैं, की वजह से हमारी अपनी एनिमेटेड सुपर हीरो या फिर सुपर हीरो मूवीज ज्यादा नहीं चलती और स्ट्रगल करने लगती है। और इन्हीं सब के चलते बहुत सारी एनिमेटेड सुपर हीरो सीरीज बंद भी हो गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सुपर हीरो एनिमेटेड सीरीज के बारे में बताऊंगा जो बंद हो गई है, पर वो सारी काफी ज्यादा अच्छा था और उनका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा तगड़ा था, जिन्हें मौका मिलना चाहिए था। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे जगह बनाई है सुपर वी ने। सुपर वी 5 नवंबर 2019 को आया। इसमें टोटल 12 एपिसोड की कहानी विराट कोहली की लाइफ से ली गई और इस सीरीज के कुछ कुछ पार्ट्स आपको विराट कोहली की लाइफ से जुड़े लग सकते हैं। तो ये कहानी है विराट नाम के एक लड़के की, जिसकी उम्र 15 साल होती है, लेकिन उसके लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स है और उसके पिता की जो उम्मीदें हैं वो भी विराट से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो काफी प्रेशर में रहता है। लेकिन ये कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तब होती है जब उसे पता लगता है कि उसका परिवार कोई आम परिवार नहीं है, बल्कि एक सुपर हीरो फैमिली है। उसके बाद उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जिसकी पावर को वो दुनिया को बचाने और नोवार जैसे सुपर विलेन को हराने में करना चाहता है। क्या आपने सुपर एनिमेटेड शो देखा है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए नंबर 4 भी जिसने अपनी जगह बनाई है वो सुपर हीरो नहीं है बल्कि वो है महायोद्धा कृष्णा। महायोद्धा कृष्णा सीरीज के बारे में मुझे कुछ ज्यादा डिटेल्स तो मिली नहीं, मगर जो मिली मैं वो आपको बता दे। महायोद्धा कृष्णा 2021 में आया था और इसकी IMDb रेटिंग अवेलेबल नहीं है। महायोद्धा कृष्णा के प्रमाइज या प्लॉट की बात करूं तो इसमें कृष्णा नाम का एक लड़का है जिसके पास कमाल की सुपर पावर है। वो किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है और तो और उसके पास कुछ सुपर एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जो कि है वो एलिमेंटल्स को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ वो अपने भाले और शील्ड की हेल्प से फ्लाइंग भी कर सकता है और टेलीकाइनेटिक और सुपर स्ट्रेंथ पजेस करता है। वो आनंद नगरी में रहता है और उस पूरे शहर को प्रोटेक्ट करता है। कहा जाए तो जो अपना कृष्णा है वो आनंद नगरी का महायोद्धा है। स्टोरी कुछ ज्यादा मैच्योर नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आप इसे देखते ही समझ जाओगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये शो बेसिकली बच्चों के लिए बनाया गया है, ज्यादा मजा तो नहीं देगी, पर अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। डिजाइन काफी ज्यादा अच्छे हैं और फैसिनेटिंग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये आपको YouTube और Amazon Prime पर मिल जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसे एनिमेटेड सुपर हीरो के बारे में जिसे आपने अपने बचपन में एक ना एक बार जरूर देखा होगा। इस एनिमेटेड सुपर हीरो का नाम है माइटी राजू। ये आया था 2015 को और इसकी IMDb रेटिंग है 4.9/10। माइटी राजू के लगभग 30 से भी ज्यादा मूवीज आ चुकी हैं और आपने एक ना एक जरूर देखी होंगी, फिर चाहे वो रियो कॉलिंग ही क्यों ना हो। आप में से ज्यादातर लोग वो देख चुके हैं, मैंने भी देखी है। तो आपको छोटा भीम तो याद ही होगा, याद है ना, लड्डू खाओ शक्ति पाओ, जोक सपा। लेकिन आप लोगों ने उसमें राजू नाम के कैरेक्टर पर ध्यान दिया होगा जिसके सिर पर 3 बाल थे, आई थिंक सो। तो ये सीरीज उसी लड़के के ऊपर है। तो माइटी राजू की जो प्लॉट है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि माइटी राजू एक 2D एनिमेशन सीरीज है जो 4 साल के राजू के अराउंड रिवॉल्व करती है। राजू की मॉम संध्या जब प्रेग्नेंट होती है तब वो गलती से न्यूट्रिनो कंपाउंड को खा जाती है, जिसके बाद राजू को उसकी सुपर पावर्स मिलती है और वो उन सुपर पावर्स के साथ एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने शहर आर्या नगर को कराती जैसे सुपर विलन से प्रोटेक्ट करता है। राजू के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, जिसकी हेल्प से जो राजू है वो एक सुपर हीरो बन जाता है। क्या आपने माइटी राजू टीवी शो देखा है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अब बात करते हैं नंबर 2 पे जो एनिमेटेड सुपर हीरो, इसका नाम है योम, यानी कि योगेंद्र ओम प्रकाश। ये टीवी सीरीज आई थी 2016-17 और इसमें टोटल 26 एपिसोड थे। इसकी IMDb रेटिंग तो अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका प्लॉट बता देता। कहानी कुछ ऐसी है कि 11 साल का एक लड़का है जिसका नाम योम है। जो योम है वो छोटा शहर नाम के शहर में रहता है। योम के पास कमाल की सुपर पावर है, इसकी हेल्प से वो जब भी योगा परफॉर्म करता है तो वो किसी एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना। कमाल की पावर, आप योगा कीजिए एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाइए, लेकिन किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म होकर उसी फॉर्म में रहने का भी एक टाइम आउट है और यही योम की वीकनेस है। पर योम फिर भी किसी तरह से मैनेज कर ही लेता है और अच्छाई की बुराई पर जीत हो ही जाती है। स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है और के कैरेक्टर्स और स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो आपको योम जरूर देखना चाहिए। और अगर आपने देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो आप लोगों ने नंबर 1 की प्लेस को गेस कर ही लिया होगा कि अब मैं किसकी बात करने वाला हूं। जी हाँ, नंबर 1 की पोजीशन है शक्तिमान द एनिमेटेड सुपर हीरो सीरीज। तो ये सीरीज आई थी 2011 से 13 के बीच में। इसमें टोटल 26 एपिसोड थे और इसकी IMDb रेटिंग भी काफी अच्छी है, जो कि है 7.6/10। कहानी की बात करें तो विहान आर्या नाम का एक नौजवान रहता है जिसके पास योगिक पावर्स है।
जो कि उसे एक सुपर हीरो बना देती है। तो होता यूँ है कि किलविश के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए विहान को हिमालय छोड़कर इंदूस नाम की सिटी में जाकर रहना पड़ता है, जहाँ जाकर विहान प्रोफेसर ज्ञानी का लैब असिस्टेंट बन जाता है और अपने पावर्स की हेल्प से वो सिटी को प्रोटेक्ट करता है, किलविश के बढ़ते कदमों को रोकता है। और अगर इस सीरीज की कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊं तो इस सीरीज में आपको नए नाम और नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जो कि ओरिजिनल से अलग है पर उन्हीं का रिप्लेसमेंट है। जैसे कि गंगाधर की जगह आपको विहान आर्या, गीता की जगह पे लीना रॉय एटसेट्रा देखने को मिलेगा। क्या आपने ये सीरीज देखी है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। और दोस्तों हम कुछ एनिमे कंटेंट भी इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उन एनिमे कंटेंट को भी देख सकते हैं और ऐसे कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।